सुपर हीरो स्पाइडरमैन की पूरी दुनिया दीवानी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इस सुपर हीरो के फैन हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, वो रियल लाइफ स्पाइडरमैन बनकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इनका नाम रूडी हार्टोनो है, जो सड़क और समुद्र के किनारों पर पड़ा कचरा साफ करते हैं। 36 साल के रूडी हार्टोनो एक कैफे में काम करते हैं। रोजाना 7 बजे के बाद सफाई का काम शुरू करते हैं। हार्टोनो काम पर जाने से पहले स्पाइडरमैन बनकर कचरा उठाते हैं। उनकी वजह से देश का ध्यान कूड़े की समस्या पर गया है। उन्होंने अखबारों को इंटरव्यू दिया है और कई टीवी शो में स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में पहुंचकर अपने मकसद के बारे में भी बताया। हार्टोनो ने बताया कि अपने भतीजे का मन बहलाने के लिए उन्होंने कभी स्पाइडरमैन की पोशाक खरीदी थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इसी वेशभूषा के सहारे स्वच्छता का संदेश देना शुरू किया। आपको बता दें कि चीन के बाद इंडोनेशिया प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। यही वजह है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन घटाने के लिए रूडी ने कुछ समय पहले सफाई अभियान शुरू किया था, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है।